ये कोई कह रहा मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भी आओ प्रोटेस्ट करो, मगर दैट डजंट मीन यू टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन। पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन आखिरी दो लाइनें। द कमीशन फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ओथ प्रोवाइडेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट। हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े जी। द कमीशन फाउंड violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the third schedule. ek jumla to kam se kam pura bana lo na, kisne violate kiya hai oath? urdu mein likh dete agar inko angrezi inki kamzor hai itne, kya jumle ka matlab kya nikla, mujhe samajh hi nahi aa raha hai jumla. I don't exactly know. loyalty to the state hai article 5 and obedience to the law. फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद, ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन एंड ओथ ऑफ द थर्ड शेड्यूल। किसकी ओथ की बात कर रहे हैं? थर्ड शेड्यूल में आई थिंक वो तो सारे ओथ्स उधर है ना, किस किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? आई थिंक इज रेफरिंग टू ए पैराग्राफ ई में, द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, द लॉ मिनिस्टर हु वाज इंस्ट्रूमेंटल दे से इन शेपिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है? आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट दिस इज। कमीशन आल्सो डज नॉट देन के रिकमेंडेशन देनी थी और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ। कोई कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी। टर्म अभी तक मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। फिक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो इसका भी जो कंक्लूजन है फॉलोइंग पेज पे सेज दैट देन आईजी पंजाब इज हेल्ड अलोंग विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जी तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को। एंटायर रिपोर्ट इज प्रोसीड्स ऑन द प्रेमिस दैट उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, दिस इज समथिंग दे आर गोइंग टू इंक्वायर। इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर लो एहतजाज। ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया वो, ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन है माजरत के साथ। उर्दू में एक जुमला है नजला गिराना, वो सारा नजला जो इन्होंने गिराया है ना वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब to the actual event, actual events which took place after the sit-in which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment refers to. Punjab ki sarkar kaun thi? So us waqt the chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister of Punjab at that time. Chalo main ye to ho sakta, main manta hu ki aapki hukumat ne interference nahi ki, सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी। अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको, मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में। क्या व्हाट इज दिस? अच्छा आगे पढ़ते हैं। 7 टू डिटरमिन एज टू वेदर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और अदर लीगल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट एनी ऑफ द अफोरसेड इज फाउंड इनवॉल्व्ड। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, यही सर यही है सर, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लाइक टू डिटरमाइन जी सर। आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है वो पढ़ लें, डी कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें जी। ये उसका जो नंबर 6 कंक्लूडिंग, द कमीशन ऑब्जर्व दैट अवेलेबल रिपोर्ट्स ऑफ द आईबी एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज वर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। द आईबी रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड फॉर वार्निंग द गवर्नमेंट ऑफ द कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ टीएलपी रिक्वायरिंग प्रिवेंटिव एक्शन व्हिच वाज मिसिंग। फॉर दैट मिसिंग एक्शन द देन आईजीपी पंजाब इज हेल्ड अलोंग विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये चले, अगर ये इसी मिस अप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए
तो उनको बताना चाहिए ये करना चाहिए था, दो ये चीज और तीन ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे भाई। आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पांसिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे आप। कुछ समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये, इनकी के आपस में कोई राइवलरी तो नहीं थी, ये भी तो पुलिस ऑफिसर से तो लगता है कि वो पता नहीं कोई आईजी पुलिस कौन था उस वक्त का आईजी पंजाब, तो लगता है सारा उसने उन पे रख दिया है कि भाई पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं कमीशन वाले उनसे। फिर अगर यही बता दें अच्छा उन्होंने क्या करना चाहिए था नहीं करता, अगर मैं होता उनकी जगह मैं ये करता, अच्छा भाई चले ये उनका मैंडेट था भी नहीं, मगर अगर इस तरह वो जाना चाहते हैं तो पूरी बात तो कर दें कम से कम। अगला पढ़ते हैं। Seven, sir, to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. अब 6 और 7 interlinked हैं। Yeah. The establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. अब ये proposed model डाल दिया इधर उठा करके। What sort of report is this? अगला पढ़ते हैं। To examine and if required recommend measures which must be taken by police and other law enforcement agencies and departments with regard to handling of rallies, protests and sit-ins. इधर ये क्या फरमाते हैं? So sir, it's the last three lines. पिछला वाला जो सेवेंथ वाले में उन्होंने क्या लिखा था जरा वो पढ़ने में सेवन मिस कर दिया। जी सेवन में ये लिखा कि the establishment division preceding page. The establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. भई आप लिखो ना लो इधर कुछ। To determine as to any disciplinary proceeding or the legal is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. Floating in the report. What sort of language is this? जैसे ए बी सी डी लिख देते उनके नाम लिख देते, इन्होंने ये नहीं किया उन्होंने वो नहीं किया, या इन्होंने ये किया जो नहीं करना चाहिए था। एक तरह से वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, दूसरी तरफ इस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, या तो कहें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लग रहा है कोई स्कोर सेटलिंग हो रही है इनको आपस में अपने पुराने साथियों से या क्या, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। नंबर एट पर एट हो गया नंबर एट, नहीं नंबर एट मैंने पढ़ा, बट उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है विच इज इट सेज दैट पैराग्राफ बी लास्ट थर्ड लाइन फ्रॉम बॉटम ऑफ फोर्थ लाइन, ऑल वर ऑफ द ओपिनियन दैट रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद पुलिस मस्ट हैव डेडिकेटेड एंटी रायट यूनिट सफिशिएंट इन नंबर्स टू कोप विद क्राइसिस सच एज फैजाबाद धरना, सो दे आर रेफरिंग टू द ओपिनियंस ऑफ द प्रपोज मॉडल इज अपेंडिक्स 1। ये क्या प्रपोज मॉडल है? Appendix 1, sir. Oh. Where will I find this? Sir, this is page 151, volume 2. Volume